हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये पार्ट टू है फॉरेन स्कॉलर्स के ऊपर जो जम्मू कश्मीर में विजिट किए हैं। जिन्होंने पार्ट वन नहीं वॉच किया तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस कंटेंट के माध्यम से हम सबसे पहले बात करेंगे वुकोंग की। ये 759 AD में कश्मीर में विजिट करते हैं और उस समय जो कश्मीर का शासक था वो था जयापिदा। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? काराकुटा डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसे नागा डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बनता है, वुकोंग एक ऐसा स्कॉलर था जिसने क्या बताया था, जिसने बताया था दोस्तों कि जो कश्मीर किंगडम थी ये चारों ओर किससे घिरी हुई थी? दोस्तों, माउंटेन से घिरी हुई थी। ये बात कही है वुकोंग ने, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और इसका जो रिलीजियस नेम था वो था फैजी। रिलीजियस नेम क्या था? फैजी था। और अगर फैमिली नाम की बात करें तो फैमिली नेम इसका था जू। बाकी ये और इंफॉर्मेशन है जो वुकोंग से रिलेटेड है, आप पढ़ सकते हो। प्रोफेसर जॉर्ज बुलर, स्कॉलर ऑफ एंशंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड लॉ। आप सब जानते हो पुंछ रिवर को पुंछ तो ही या तोशी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है, जॉर्ज बुलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इसने कहा था अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बुलर द एंशंट फॉर्म ऑफ द वर्ड तो ही इज तोशी मेंशनिंग राजतरंगिणी एंड नीलमत पुराना। दोस्तों, ये लाइंस याद रखना, पूछी जा सकती हैं कि किसने बताया था कि जो तोही है इसकी एंशंट फॉर्म तोशी है, जो मेंशन है राजतरंगिणी और नीलमत पुराना में। तो ये कहा है प्रोफेसर जॉर्ज बुलर ने। मूरक्रॉफ्ट ये विजिट करता है बारामूला में 1822 AD में। इंपॉर्टेंट है विलियम मूरक्रॉफ्ट भी। और गाइस, बर्नियर भी इंपॉर्टेंट है। बर्नियर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कश्मीर को जो टाइटल दिया है वो दिया है पैराडाइस ऑफ एंडीज का टाइटल दिया है। हायुन संघ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ पहली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जो मैंने पहली वीडियो में स्किप किए हैं। हायुन संघ पुंछ में विजिट किया था और इसने क्या कहा था, पुंछ फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी और हॉर्सेस। ये बात कही है हायुन संघ ने। और इसने कश्मीर को जो टाइटल दिया है वो क्या है कि शिमलाओ, ये नाम दिया है हायुन संघ ने कश्मीर को। और ये पहला चाइनीज पिलग्रम था जो कश्मीर में विजिट किया था। और भारत में जो पहला चाइनीज पिलग्रम था वो कौन था, वो था फहीन। और जो वुकोंग था ये सेकंड चाइनीज पिलग्रम था जो विजिट किया था कश्मीर में। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए शुक्रिया।